हाय एवरीवन। सो इस हायरिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस हायरिंग वीडियो में होने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट हायरिंग। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बहुत बड़े अपडेट के साथ, बट उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आईबीएम ने यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग निकाली हुई है। ये बिल्कुल डायरेक्ट टेस्ट है, नो शॉर्टलिस्टिंग। इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर कुछ एक्सप्लेन किया है। सो ज्यादा लेट मत करना, वरना एक्सपायर हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि इसकी अप्लाई लिंक एक्सपायर हो गई। सो इसकी लिंक आपको सबसे ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा मैं आईबीएम की। इस वाली वीडियो को पूरा देख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं अभी की हायरिंग की। तो देखो, जेडएस की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया है। 2 जून के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेस्ट रिलीज कर दिए गए हैं। यू कैन सी हियर जेडएस डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट कॉग्निटिव टेस्ट डेडलाइन 2 जून, और ये रिसीव किए गए हैं टेस्ट। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है फॉर 2024 ग्रेजुएट्स यू मस्ट हैव द फाइनल मार्कशीट, और यहाँ पर ये पूरे मेल्स वगैरह आ गए हैं। सो इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये पोजीशन अभी ओपन है डिसीजन एनालिटिक्स एनालिटिक्स एसोसिएट की, अगर आपने अप्लाई नहीं किया हो तो। और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली आपको भी किसी ना किसी फेज में मेल जरूर आ जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिल रहा है जेडएस की तरफ से, तो बिल्कुल भी मिस ना करें अप्लाई करना। देन बात करते हैं एक बड़ी हायरिंग की। सो इफ यू कैन सी हेजडन बाय डेलॉयट, इसके तरफ से हायरिंग फॉर फ्रेशर्स 2023-2024 बैच। इस बार जो रिक्रूटमेंट है, मेरे हिसाब से शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, शायद वर्चुअल कंडक्ट कराई जाएगी। सो यू कैन सी ट्रेनी इंजीनियर क्यू ए एनालिस्ट इंटर्न प्लस एफ टी, और ट्रेनी इंजीनियर SDT 1 इंटर्न प्लस एफ टी। बाकी इसकी अप्लाई लिंक आपको मिलेगी कमेंट में। ये कमेंट आपको ओपन करना है जो पिन कमेंट में लिंक दी है। देन यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दी हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है विच यू नीड टू फिल। ये भी हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है फ्रॉम डिलॉयट हेजडन। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है देखने में तो। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जोहो, हायरिंग फॉर क्यूए इंजीनियर्स। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जियो, दे आर हायरिंग फॉर GET पोजिशन, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, एंड बैंगलोर का एरिया रहेगा। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में फ्रेशर्स मांगा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड इज BE BTech। सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जोहो अगेन फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। बेसिक ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मैंशनड हियर। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सर्विस नाउ, हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। हैदराबाद जॉब लोकेशन है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे सारी मेंशन करी गई हैं, 0+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इन लोगों ने मांगा हुआ है। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम क्लिनिसिस, वी आर हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस एज वेल। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सीमेंस, हायरिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, बेसिक रिक्वायरमेंट में जो मांगा है वो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट रखी है फॉर कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम जलूरी, दे आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, कंपनी भी सही है, और इसमें जरूर अप्लाई कर देना। अप्लाई नाउ बटन आएगा नीचे, एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है विच यू नीड टू फिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाली। सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।